प्रधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन के शुभारंभ और बीनापन की बहुउत्पाद पाइपलाइन के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। मैं चाहती हूँ जोरदार तालियों के प्रणाम आप माननीय प्रधानमंत्री के चरणों तक पहुँचाएं और उनका हृदय से अभिवादन करें। आज कानपुर नगर गदगद है, रोमांचित है, उल्लसित है, बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के शुभारंभ के माध्यम से। ऊर्जावान उत्तर प्रदेश का, ऊर्जावान विकास का ये महोत्सव। स्वागत करते हैं हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथियों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। बिठूर की शौर्य गाथा से अंकित ये अंग वस्त्र आप सब जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि कानपुर मेट्रो रेल का एक मॉडल प्रतीक चिन्ह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका स्वागत और अभिनंदन करके। जोरदार तालियों से अपनी कृतज्ञता मंच तक पहुंचाएं। भारत माता की। मंच पर आसीन है माननीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अतिथियों का स्वागत करें। जरा मेरे साथ जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। थोड़ी आवाज और पहुंचनी चाहिए, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानीय गण, भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माँ गंगा की कृपा से आज दोनों प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं, वे पेट्रोलियम और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय से संबंधित हैं। मुझे यकीन है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कानपुर के एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में खोए हुए गौरव को बहाल करने की क्षमता है। वास्तव में दोनों प्रोजेक्ट्स, मल्टी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन और मेट्रो, एक तरह से एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। जैसे जैसे भारत $3 trillion से $5 trillion की इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, हमारी ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि वर्तमान प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत ग्लोबल एवरेज से तीसरा हिस्सा है, 1/3। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई
महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2014 में जब आपने देश को संभाला, उस समय एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारी 1% थी, उसको आपने 1% से लाकर 8.2% तक पहुंचवा दिया है। और जो आपका निर्णय था कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो, वो आपने 2030 का टारगेट भी उसको आगे लाकर 2025 तय कर दिया है। पहली जनवरी 2023 से 20% ब्लेंडेड एथेनॉल पेट्रोल हमारे पेट्रोल पंप्स में मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपने जो हमारा एरिया अंडर एकरेज अंडर प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन है, उसमें भी उसको दुगना आपने करने का निर्णय लिया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और कई आपने इंपॉर्टेंट मिशन मोड में फैसले किए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश की जो पहली मेट्रो लाइन थी, वो माननीय वाजपेयी जी के समय 2002 में चालू हुई थी। अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। कई लोग कहते हैं कि मेट्रो का काम उन्होंने उनके समय शुरू हुआ है। हकीकत यह है कि 2014 में देश में सिर्फ 2048 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी, जो बढ़कर आज 742 किलोमीटर तक पहुंच गई है। और कानपुर के जो ये पहला सेगमेंट है मेट्रो लाइन का, इसकी शुरुआत 2 साल पहले ही शिलान्यास हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, और 2 साल में ही ये लाइन ऑपरेशनल होने जा रही है। 772 किलोमीटर मेट्रो तो ऑपरेशनल है, उसके साथ साथ 1037 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन पर इस समय काम हो रहा है, जिसमें दिल्ली मेरठ RRTS या रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 82 किलोमीटर भी शामिल है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या हो रहा है या पूरा हो चुका है। इसमें से उत्तर प्रदेश में कानपुर 5वां शहर आज शामिल होगा और 3 औरों पे काम चल रहा है। 2023 तक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन क्षेत्र में $58 बिलियन और 2024 तक नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। आपने एनर्जी मिक्स में भी नेचुरल गैस का जो हिस्सा है मौजूदा 7% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। देश में आपने 14,500 किलोमीटर की जो गैस नेचुरल गैस पाइपलाइन थी, उसको बढ़ाकर आपने 20,000 किलोमीटर गैस लाइन ऑलरेडी ले कर दी है और आने वाले कुछ सालों तक ये 35,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी 214 से बढ़कर 250 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। और हमारा टारगेट है, जो आपने निर्णय किया माननीय प्रधानमंत्री जी, ये 400 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम बढ़ जाएगी। आज जो 356 किलोमीटर लंबी बिना पंकी मल्टी प्रोडक्शन पाइपलाइन का निर्माण लगभग 1,524 करोड़ रुपए की लागत से किया है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा प्राचीन किया जा रहा है। इसमें ईस्टर्न और सेंट्रल उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न बिहार और सदर्न उत्तराखंड में पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाएंगे। कानपुर की मेट्रो टोटल 33 किलोमीटर, इस पर लागत होगी 11,000 करोड़ की और ये उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार का 50-50 रेशियो का एक प्रोजेक्ट है। ये पहले 9 किलोमीटर
जो लाइन ऑपरेशनल होने जा रही है कल, इसका काम 2 साल के अंदर हुआ और महामारी के दौरान किया गया। मैं समझता हूं जो आपके विकास के कार्य हैं ये उसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स कानपुर शहर में ईज ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और समृद्धि लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें सबसे अधिक शहरों में मेट्रो रेल का परिचालन हो रहा है और ये संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिबद्धता और संकल्प शक्ति से। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी विकास तथा पेट्रोलियम मंत्री माननीय श्री हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सतीश महाना जी, श्री रणवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्री अजीत पाल जी, श्री लाखन सिंह राजपूत जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, अशोक रावत जी, श्री सुब्रत पाठक जी, रामशंकर कठेरिया जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज कानपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, मां गंगा के तट पर स्थित इस औद्योगिक नगर में अत्याधुनिक यातायात की एक सुविधा प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज कानपुर में आगमन हुआ है। मैं आप सभी कानपुर वासियों की ओर से, प्रदेश शासन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर की पहचान एक औद्योगिक नगर के रूप में रही है और कानपुर को उससे पहले पहचान मां गंगा की अविरल धारा के कारण भी रही है। कानपुर का बिठूर न केवल धार्मिक आस्था का बल्कि इस देश की आजादी की लड़ाई में देश के स्वाधीनता सेनानियों के एक प्रमुख गढ़ के रूप में भी विख्यात रहा है और आज हम सबका यह सौभाग्य है कि देश के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से मां गंगा की निर्मलता का सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो हुआ करता था वो कानपुर होता था। कानपुर के सीसा मऊ में 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट को निर्मलता की ओर अग्रसर करते हुए मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का जो कार्य
कानपुर के गौरव को, सनातन धर्म के उस गौरव को पुनर्स्थापित का कार्य नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण संपन्न हुआ। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, एक कानपुर कभी प्रदेश और देश का प्रमुख औद्योगिक नगर माना जाता था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। यहां की चलने वाली मिलें बंद हो गई, औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई, अराजकता का एक नया तांडव यहां प्रारंभ हुआ। और विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवाले खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, आज कानपुर में दोहरी उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। इससे पहले कानपुर आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री जी के इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन को देश ने सुना, लेकिन आज यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बेहतरीन सुविधा मेट्रो को प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी आज कानपुर में आए हैं। और दूसरा, बिना पनकी भारत पेट्रोलियम की पाइपलाइन का, पेट्रोलियम पाइपलाइन का लोकार्पण करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी का आगमन कानपुर की इस नगरी में हुआ है। भाइयों बहनों, ये मेट्रो का कार्य याद करिए, 12 नवंबर 2019 को हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था और 2 वर्ष 2 महीने में इस कार्य को पूरा होना था, लेकिन 2 वर्ष से 2 दिन पहले ही 10 नवंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का कार्य एक प्रकार से फिजिकल कार्य प्रारंभ पूरा हो गया था। और उसके बाद भौतिक कार्य के बाद इसकी क्लीयरेंस लेने में जो समय लगा, आज उसके साथ ही मेट्रो का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। और ये 9 किलोमीटर का ये मेट्रो का कार्य कानपुर के साथ जुड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक मेट्रो संचालित करने वाले राज्य के रूप में आ चुका है। 5 हमारे शहर ऐसे हो चुके हैं जिन पर मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों के आवागमन की दृष्टि से जाम मुक्त सड़कें मिल सके, सुविधाजनक आवागमन हो सके, प्रदूषण मुक्त व्यवस्था यातायात के लिए मिल सके, इस दृष्टि से आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सभी कानपुर वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर की इस नगरी में हृदय से स्वागत करता हो, अभिनंदन करता हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आज कानपुर वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कानपुर मेट्रो रेल का शुभारंभ, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का शुभारंभ करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम सेक्शन जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। देश की तरक्की के लिए जरूरी है विकास की तेज रफ्तार। विकास की इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2014 से देश में मेट्रो रेल सेवाओं का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। प्रधानमंत्री की ईज ऑफ लिविंग संकल्पना के तहत शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने और प्रदूषण मुक्त यात्रा के साधन के तौर पर मेट्रो की परियोजनाओं को गति दी गई। साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। वर्ष 2014 के पहले जहां देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, तो वहीं आज 18 शहरों में मेट्रो का विस्तार हो चुका है। केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद से देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा 5 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं आगे बढ़ी। बीते 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो के संचालन के आरंभ के बाद कानपुर और आगरा शहरों के साथ मेरठ को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली RRTS परियोजना के तहत 131 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। कानपुर में 15 नवंबर 2019 को मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। इसके बाद से ही IIT कानपुर से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अत्यंत तीव्र गति से निर्माण कार्य हुआ। 2 साल से भी कम समय में 10 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल हुआ। कोविड की 2 लहरों की गंभीर चुनौती के बीच भी काम की गति को उत्तर प्रदेश मेट्रो की टीम ने बनाए रखा। प्रायोरिटी कॉरिडोर के सभी 9 स्टेशन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित हैं। गुरुदेव चौराहे पर स्थित कानपुर मेट्रो डिपो अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय है। कानपुर मेट्रो परियोजना के अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से युक्त 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुजरात के सावली में निर्मित है। कानपुर वासियों के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है जब कानपुर मेट्रो का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कानपुर में मेट्रो रेल शुरू होने से शहरी परिवहन न सिर्फ सुगम और सुरक्षित होगा बल्कि शहर के प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। कानपुर वासियों की जीवन शैली में बदलाव होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग जन को यातायात का सुरक्षित साधन प्राप्त होगा। 2024 तक दोनों कॉरिडोर्स के निर्माण के बाद लगभग 9.4 लाख कानपुर वासियों के मेट्रो के सफर का आनंद लेने का अनुमान है। सबसे ज्यादा परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश मेट्रो के मामले में सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होकर मेट्रो प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सोच ईमानदार, काम दमदार। कानपुर नगर वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ किया, शिलापट का अनावरण हुआ। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हरी झंडी दिखाकर कानपुर मेट्रो रेल को रवाना करें, जिसके प्रथम यात्री का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। UPMRC के प्रबंध निदेशक कुमार केशव जी और उनकी टीम को बधाई। तैयार खड़ी है कानपुर मेट्रो रेल, हरी झंडी दिखी और प्रस्थान, एक नए युग का प्रारंभ। आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता उत्तर प्रदेश और उसी के रास्ते को तय करती है कानपुर मेट्रो रेल। बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय प्रधानमंत्री जी ये बहुमूल्य उपहार देने के लिए। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि रिमोट का बटन दबाकर BPCL द्वारा निर्मित बिना पन की बहु उत्पाद पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करें। बटन दबा, शिलापट का अनावरण और समर्पित है ऊर्जा ईंधन की आपूर्ति को सुनिश्चित करती बिना पन की बहु उत्पाद पाइपलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। भारतीय संस्कृति का हृदय स्थल और देश का विशालतम प्रदेश उत्तर प्रदेश आज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये सब संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से और उनके कुशल नेतृत्व में। आप सभी के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश तीव्र गति से प्रगति के पथ पर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जिस गति से विकास हो रहा है ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। इसी उद्देश्य से 1524 करोड़ रुपए की लागत से एक नई परियोजना बनकर तैयार है। पेट्रोलियम उत्पाद के सुचारू परिवहन के लिए 356 किलोमीटर लंबी बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इस पाइपलाइन के माध्यम से बिना रिफाइनरी से पनकी तक पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन सुरक्षित और आसान तरीके से किया जा सकेगा। इस परियोजना का लाभ पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और दक्षिणी उत्तराखंड को मिलेगा। पाइपलाइन के माध्यम से ईंधन के परिवहन से पर्यावरण का भी संरक्षण होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। पनकी डिपो से कानपुर और लखनऊ जिले के आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बेहतर हो सकेगी और साथ ही रेल साइडिंग सुविधा होने से उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, बैतालपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, आंवला और बिहार के मुजफ्फरपुर तक रेल द्वारा उत्पादों की आपूर्ति हो सकेगी। इस परियोजना के निर्माण के दौरान लोगों को लगभग 7 लाख श्रम दिवस के रोजगार प्राप्त हुए और परियोजना आरंभ होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे। इस पाइपलाइन के 11 सेक्शन वाल्व स्टेशन को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत कानपुर स्थित पनकी डिपो में पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण के लिए अतिरिक्त टैंकेज का निर्माण किया गया है। अब इस डिपो में संग्रहण क्षमता लगभग 2 लाख किलोलीटर हो गई है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना का राष्ट्र को समर्पण हो रहा है। इन परियोजनाओं के आरंभ होने से उत्तर प्रदेश की प्रगति में और गति आएगी। दो महत्वपूर्ण योजनाएं जो ऊर्जावान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान विकास को गति देंगी। सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पे जाना है, जिनकी नजर आसमां पे हो उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। देश की समृद्धि और विकास के नित नए मार्गों का निर्माण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के विकास को नए आयाम और नई गति दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हम सब के स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप पुरी जी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री
श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, भानु प्रताप वर्मा जी, यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना जी, नीलिमा कटियार जी, रणवेंद्र प्रताप जी, लखन सिंह जी, अजित पाल जी, यहां उपस्थित सभी आदरणीय सांसद गण, सभी आदरणीय विधायक गण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांति वीरों की प्रेरणा स्थली, आजाद भारत के औद्योगिक सामर्थ्य को ऊर्जा देने वाले इस कानपुर को मेरा शत शत नमन। ये कानपुर ही है जितने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विजनरी नेतृत्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज सिर्फ कानपुर को ही खुशी ऐसा नहीं है, वरुण देवता जी को भी इस खुशी में हिस्सा लेने का मन कर गया। साथियों, कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा होता है, है ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा, ये कानपुरी है जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। साथियों, जब संगठन के काम के लिए मेरा आपके बीच आना होता था तो खूब सुनता था, जाड़े रहो कल्टरगंज, जाड़े रहो कल्टरगंज। आजकल भी आप बोलते हैं कि नई पीढ़ी के लोग भूल गए? साथियों, आज मंगलवार है और पनकी वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से आज यूपी के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। इससे कानपुर के साथ साथ
यूपी के अनेकों जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद अब और आसानी से सुलभ होंगे। हम दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। आप सबके बीच आने से पहले आईआईटी कानपुर में मेरा कार्यक्रम था। मैं पहली बार मेट्रो का सफर करने पर कानपुर वासियों के मनोभाव, उनकी उमंग उत्साह का साक्षी बनना चाहता था और इसलिए मैंने मेट्रो से सफर करना तय किया। ये लिए मेरे लिए वाकई एक यादगार अनुभव रहा है। साथियों, यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था, उनकी प्रतिबद्धता यूपी के लोगों के लिए नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में बन रहा है। आज देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है। आज देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब भी यूपी होने वाला है। जिस यूपी को कभी अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं, फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं परियोजनाओं का ही नहीं बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। मैं आपको ऐसी अनेकों परियोजनाएं गिना सकता हूं, यानी पूरब हो या पश्चिम, या फिर हमारा ये क्षेत्र, यूपी में हर परियोजना को
समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए जरूरी है क्योंकि जब योजना समय पर पूरी होती है तो देश के पैसे का सही इस्तेमाल होता है, देश के लोगों को इसका लाभ मिलता है। आप मुझे बताइए, ट्रैफिक जाम को लेकर कानपुर के लोगों की शिकायत बरसों से रही है कि नहीं रही है? आपका कितना समय इसमें बर्बाद होता था, आपका कितना पैसा बर्बाद होता था? अब आज पहले फेज की 9 किलोमीटर लाइन, ये लाइन शुरू होने से इन शिकायतों के दूर होने की एक शुरुआत हुई है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बावजूद 2 साल के भीतर ही ये सेक्शन शुरू होना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक हमारे देश में एक सोच रही कि जो भी कुछ नया होगा अच्छा होगा वो 3-4 बड़े शहरों में ही होगा। देश के बड़े मेट्रो शहरों के अलावा जो शहर थे उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इन शहरों में रहने वाले लोगों की कितनी बड़ी ताकत है, उन्हें सुविधाएं देना कितना जरूरी है, ये पहले सरकार चलाने वाले कभी नहीं समझ पाए। इन शहरों की आकांक्षाओं को, इनमें रहने वाले करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं पर पहले जो सरकार में थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग अभी माहौल तानने की कोशिश कर रहे हैं उनकी नियति नहीं थी, विकास की कोई नियति नहीं थी। अब हमारी सरकार देश के ऐसे अहम शहरों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। इन शहरों के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहां उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान हो, बिजली की दिक्कत न हो, पानी की दिक्कत न हो, सीवेज सिस्टम आधुनिक हो, इन सभी पर काम किया जा रहा है। अगर मैं मेट्रो की ही बात करूं तो कानपुर मेट्रो के पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ है। आगरा और मेरठ मेट्रो पर तेजी से काम चल रहा है। कई अन्य शहरों में भी मेट्रो प्रस्तावित है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जिस स्पीड से यूपी में मेट्रो का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वो आंकड़े जरा ध्यान से सुनिए, सुनिएगा ना, ध्यान से सुनेंगे ना। देखिए, सुनिए, साल 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर।
पहले की सरकार कैसे काम रही थी, आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। साथियों, 2014 के पहले पूरे देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, यानी मेट्रो रेल सिर्फ मेट्रो कहे जाने वाले शहरों में ही थी। आज अकेले यूपी के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। इन शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों, मिडिल क्लास परिवारों, उनको आज मेट्रो रेल की वो सुविधा मिल रही है जो मेट्रो शहरों में उपलब्ध होती थी। शहरी गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए भी जो प्रयास किए गए हैं, उनसे टियर 2, टियर 3 शहरों में युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। यूपी में तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसमें बहुत तेजी आई है। साथियों, कोई भी देश हो या राज्य, असंतुलित विकास के साथ वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दशकों तक हमारे देश में ये स्थिति रही कि एक हिस्सा का तो विकास हुआ, दूसरा पीछे ही छूट गया। राज्यों के स्तर पर, समाज के स्तर पर इस असमानता को दूर करना उतना ही जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। समाज के हर वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, सभी को हमारी सरकार की योजनाओं उससे बराबर लाभ उनको मिल रहा है। हमारी सरकार उन लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है जिन्हें पहले कभी पूछा नहीं गया, जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। साथियों, शहर में रहने वाले गरीबों को भी पहले की सरकारों ने बहुत नजरअंदाज किया है। ऐसे शहरी गरीबों के लिए आज पहली बार हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 से पहले के 10 वर्षों के दौरान यूपी में शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 2.5 लाख पक्के मकान ही बन पाए थे। बीते 4.5 साल में यूपी सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 17 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 9.5 लाख बन भी चुके हैं और बाकियों पर तेजी से काम भी चल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे गांवों से बहुत से साथी शहरों में काम करने आते हैं। इनमें से बहुत से लोग शहरों में आकर रेहड़ी, ठेला, पटरी पर सामान बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। आज पहली बार हमारी ही सरकार ने इन लोगों की सुध ली है। इन्हें बैंकों से आसानी से मदद मिले, ये लोग भी डिजिटल लेन देन करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ यहां कानपुर के भी अनेकों रेहड़ी पटरी वाले साथियों को हुआ है।
यूपी में स्वनिधि योजना के तहत 7 लाख से अधिक साथियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक दिया जा चुका है। भाइयों और बहनों, जनता जनार्दन की आवश्यकताओं को समझना, उसकी सेवा करना हम सभी का दायित्व है। डबल इंजन की सरकार यूपी की जरूरतों को समझते हुए दमदार काम कर रही है। यूपी के करोड़ों घरों में पहले पाइप से पानी नहीं पहुंचता था, आज हम घर घर जल मिशन से यूपी के हर घर तक साफ पानी पहुंचाने में जुटे हैं। कोरोना के इस कठिन काल में यूपी के 15 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन का इंतजाम हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, जो लोग पहले सरकार में थे वो इस मानसिकता के साथ सरकार चलाते थे कि 5 साल के लिए लॉटरी लगी है, जितना हो सके यूपी को लूटते चलो, लूट लो। आपने खुद देखा है कि यूपी में पहले की सरकारें जो परियोजनाएं शुरू करती थी उनमें कैसे हजारों करोड़ के घोटाले हो जाता था। इन लोगों ने कभी यूपी के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम नहीं किया, बड़े विजन के साथ काम नहीं किया। इन्होंने खुद क्यों कभी यूपी की जनता के लिए जवाबदेह माना ही नहीं। आज डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदेही के साथ यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना जानती है। कौन सोच सकता था कि यूपी में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक में सुधार हो सकता है। बिजली क्यों गई लोग ये नहीं सोचते थे, उन्हें पता ही था कि घंटों कटौती होनी है, उनकी तसल्ली इसी में हो जाती थी कि बगल वाले के यहां भी बिजली गई है या नहीं है। साथियों, कौन सोच सकता था कि गंगा जी में गिरने वाला सीसा मऊ जैसा विशाल विकराल नाला भी एक दिन बंद हो सकता है। लेकिन ये काम हमारी डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया है। बीपीसीएल के पनकी कानपुर डिपो की क्षमता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने से भी कानपुर को बहुत राहत मिलेगी। भाइयों और बहनों, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका भी यूपी को बहुत लाभ हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। अकेले यूपी में ही लगभग 1,60,00,000 गरीब परिवारों को नए एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पाइप से सस्ती गैस के कनेक्शन भी 7 सालों में 9 गुना हो चुके हैं। इसलिए ये हो पा रहा है क्योंकि बीते सालों में पेट्रोलियम नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। अब बिना रिफाइनरी से
पेट्रोल डीजल जैसे उत्पादों के लिए कानपुर सहित यूपी के अनेक जिलों को ट्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे यूपी में विकास के इंजन को बिना रुके ऊर्जा मिलती रहेगी। साथियों, किसी भी राज्य में निवेश के लिए, उद्योगों के लिए, फलने फूलने के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था का राज। यूपी में पहले जो सरकारें रही उन्होंने माफियावाद का पेड़ इतना फैलाया कि उसकी छांव में सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। अब योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था का राज वापस लाई है, इसलिए यूपी में अब निवेश भी बढ़ रहा है और अपराधी अपनी जमानत खुद रद्द करवाकर जेल जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार अब एक बार यूपी में औद्योगिक कल्चर को बढ़ावा दे रही है। यहां कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर को मंजूरी दी जा चुकी है। यहां के युवाओं का कौशल विकास करने के लिए फजलगंज में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हुई है। डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एक जनपद एक उत्पाद योजना, इनका लाभ कानपुर के हमारे उद्यमी साथियों को भी मिलेगा होगा। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। नई इकाइयों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके 15% करना हो, जीएसटी दरों में कमी करना हो, ढेर सारे कानूनों के जाल को समाप्त करना हो, फेसलेस असेसमेंट हो, इसी दिशा में उठाए गए कदम है। नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देना भी शुरू किया है। सरकार ने कंप्लीट लॉ के बेहतर बहुत सारे प्रावधानों को भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, जो हमारे व्यापारी साथियों की मुश्किलें बढ़ाते थे। भाई और बहनों, जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए इनको हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं। चाहे 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। हां, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र भ्रष्टाचार का जो इत्र
उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है, यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वालों के साथ है। भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी सौगात आपके चरणों में सुपुर्द करते समय अनेक अनेक प्रकार की खुशियों से भरा हुआ ये वातावरण, आज का ये महत्वपूर्ण अवसर एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर अभिवादन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन। विरासत और विकास दोनों को साथ साथ लेकर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश की विकास की नई गाथा लिखने में अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे कानपुर से, जहां पे प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और उससे पहले हमने देखा कि दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को एक तरह से देश को समर्पित किया राज्य के